आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है मैं, अछूत आदमी है, ना छू। औरतें नचवाई हैं ऊपर लखनऊ में, क्या बात कर रहे हो तुम? जाओ, तुम्हारी अम्मा को नचवाया था हमने, तुम्हारी अम्मा को नचवाया था। आदाब दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखे, ये पहला वीडियो बागेश्वर धाम वाले बाबा का है। बागेश्वर धाम वाले बाबा किस तरह से खुद अपनी बातों में एक्सपोज हो गए हैं, ये आप लोगों ने देख लिया है। इसका जब पूरा वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे तो आप भी देखकर परेशान हो जाएंगे। और दूसरा वीडियो असीम वकार वर्सेस तारिक फतेह का है। मीडिया चैनल पर बैठ करके किस तरह से इन दोनों के बीच भिड़ंत हुई है और मुसलमानों को गद्दार कहने वाले तारिक फतेह की यहां पर जबरदस्त तरीके से धुलाई की गई है, यह भी पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर आ रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक तस्वीर को पोस्ट करके आईटी सेल जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करना चाहता था और उसी कांग्रेस को एक्सपोज करने के चक्कर में खुद आईटी सेल अपनी ही पार्टी के नेताओं को किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, इसकी भी एक तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले पहले वीडियो की। आप जानते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के आज देश भर में चर्चा हो रही है। वैसे बाबा लोगों की भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के बारे में उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ऐसा जो है मतलब आगे की भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन बाबा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम बाबा आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा अपने सभाओं के अंदर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, इसको लेकर के अब ये नया खुलासा हुआ जिससे बाबा एक्सपोज हो गए हैं। किस तरह से, जरा आप खुद ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। परम आत्मीय पूज्य हमारे अब साधु जो स्वरूप में आ गया, अपने ऋषि परंपरा आ गया, ऋषि परंपरा में जो आ गया वो छोटा भी हमारे लिए पूज्य ही है। तो हमारे पूज्य श्रद्धे हमारे बागेश्वर सरकार को एक बार मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। Wait a minute. Who are you? मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूँगा। वाह, इसलिए निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कछु दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्राह्मण अगर संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। हम जात से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, इति षटकर्माणि ब्राह्मणा। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, बैंक की एफडी खुलना, रुपया बंदे, रुपया लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। तो देख लिया ना अपने बाबा का वीडियो। बाबा जी सबसे पहले तो लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलवा रहे हैं और आजकल ये हिंदू राष्ट्र बनवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये दिन रात एक कर दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक दलित युवक जब इनके पास पहुंचता है इनके पैर छूने के लिए तो उसको अछूत आदमी बता रहे हैं। क्या इस तरह से कोई बाबा किसी के साथ भेदभाव कर सकता है? सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी, ये बता रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसे, खुले छुट्टे जैसे भी हो आप बाबा जी के नाम करवा सकते हैं। और मेन पॉइंट यही है, क्योंकि बाबा का असली कारोबार लोगों के मुताबिक यही है दोस्तों। क्योंकि ये बाबा अपने धर्म के नाम पर दुकान खोल करके लोगों को इसी तरह से ठगते हैं।
इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। और बाबा रामदेव भी किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं ये आप लोगों ने देख लिया है। खैर ऐसे बाबाओं से सतर्क रहने की आज जरूरत है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ लोगों में नफरत फैला रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि ये अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी। खैर आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं जरूर बताइए। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो कि मीडिया चैनल पर तारिक फतेह और वसीम जो है आसिम वकार का सामने आया। तारिक फतेह आप जानते होंगे पाकिस्तानी स्कॉलर हैं ये, और ये अक्सर टीवी चैनल पर बैठ करके मुसलमानों की बुराई करते हैं, मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, मुसलमानों को गद्दार बोलते हैं। खुद कितना बड़ा ये गद्दार है ये शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी देश ने अब तक इसको नागरिकता नहीं दी है, भागे भागे फिर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, और अगर चापलूसी नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं इनका क्या होने वाला है। खैर असीम वकार तारिक फतेह के बीच किस तरह से मीडिया चैनल की एक डिबेट में घमासान हुआ है, किस तरह से असीम वकार ने तारिक फतेह की धुलाई की है एक चैनल पर, आप देखिए उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र बन भी गया और है भी तो इससे क्या प्रॉब्लम है? ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो मुसलमान यहाँ आए। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता और कहीं और होता, चाइना होता या क्यूबा होता या बोलीविया होता कहीं और, तो मार मार के ठीक कर देते लोग। जब बहस आपने हिंदुस्तान से रखी है तो अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों को बिठाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूं जब आपने बहस राष्ट्रीय मुद्दे पर रखी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर तो रखी नहीं, बहस आपने रखी है राष्ट्रीय मुद्दे पर। तो देश की पहचान तो क्या अंतरराष्ट्रीय लोग अंतरराष्ट्रीय नक्शे पे उसकी पहचान नहीं होती है क्या? आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर। आप तारिक सुनिए सर ना, आप तारिक फतेह के बॉडी गार्ड है, आप न्यूज 18 इंडिया के एंकर हैं, आप तारिक फतेह के बॉडी गार्ड मत कीजिए। तारिक फतेह साहब के जो दादा थे वो हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान हो गए, इनके बाप वालिद साहब हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तानी हो गए, ये खुद पाकिस्तान से गद्दारी करके कैनेडियन हो गए, जो इनका डीएनए है उसके हिसाब से ये वापस इस्लाम से गद्दारी करके वापस हिंदू होने जा रहे हैं। जो आदमी खानदानी गद्दार है, जिसके डीएनए में गद्दारी है, उससे आप हमारी बहस करा रहे हैं। अरे भैया अंग्रेज के खिदमत की है तुमने, औरतें नचवाई हैं ऊपर लखनऊ में, क्या बात कर रहे हो तुम? जो तुम्हारी अम्मा को नचवाया था हमने, तुम्हारी अम्मा को नचवाया था, माँ की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकता हूँ? अरे भैया बदतमीजी के कुछ मेरी बात सुन पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, तारिक फतेह आए दिन मुसलमानों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं और टीवी चैनल पर बैठ करके ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त असीम वकार ने किस तरह से तारिक फतेह की धुलाई की है ये आप लोगों ने देख लिया है। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।